ਪਿਤ
ये धर्म आपको नहीं चाहिए था कि आप दूसरा शादी करके महेश्वरपुर में आप लाए हैं। आप अच्छा काम नहीं किए पिताश्री। श्री तुम इसके बारे में अभी नहीं जानते हो। कहा क्या है कि लिख दिया तकदीर में तो जीर क्या करे, लिखा हुआ तकदीर में तो वजीर क्या करे, और बोलताया बादशाह के तो वजीर क्या करे। जो नसीबों में लिखा हुआ रहता है वही होके रहता है। इसके लिए तुम घबराओ नहीं, मैं जीवित हूँ, जब तक बचूंगा जब तक दोनों भाई का कर्म किया जाओ और आदर के साथ जाके अपनी माँ को प्रणाम करो। जाओ हे पिताश्री, यदि आपको हुक्म में अनुमति है तो अवश्य जाकर प्रणाम जरूर करूंगा। जाओ। ठीक है, मां माँ के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बेटा बसन, जिस प्रकार से तुम्हें भैया माँ से आशीर्वाद मांगा है उसी प्रकार से तुम भी जाके माँ से आशीर्वाद मांगो। जाओ। सुनिए पिताश्री, आज करना प्रणाम पिताजी, आज अजब अरुणिया के पिताजी।
आप कह रहे हैं कि तेरे सत की माँ थी, अगर पाप की माँ थी वो स्वर्गवास कर गई, तेरे के सत की माँ है जो आई है राज महेश्वर में, नहीं हमारी जो सत की माँ थी वो स्वर्गवास कर गई, और जो रन्नी है और पुतुरिया है उनको लाए हैं, नहीं करूँगा नहीं करूँगा। तुम्हें सोचना भूल है, समझा, जो तुम्हें इस धरती पर सत का जो माँ थी, पाप का माँ थी वो स्वर्गवास हो गई, और धर्म का माँ दोनों भाई के लिए हमें लेते आए हैं, जाके माँ को फड़ा खोल जाओ भाई बेसर जी, भैया जी जाओ बोले सुन ए सामिना, तो हम आईली घर तो इतना आशीर्वाद फोन पर तब हम सुन ली घर कि सुन ले ए सामी आदिये तही
मेरे नहीं है नहु, मैं चौखट से पार नहीं क्यों, और आपके बच्चा गाली बकते हैं तो अपने महल के पास रहिए, मैं जाती हूँ। सुनिए सुनिए रहे हैं, एक गोपाल पकड़ के लाओ सर, सुनिए सुनिए रही है। जब से मां उनको स्वर्गवास कर गई है, जब से मां स्वर्गवास कर गई है, जब से बोलने का कुछ और बोल देता है कुछ, इसलिए उसे बात नहीं ले, प्रिय रानी ने कोई बात नहीं ले। चलिए नहीं 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 भागले निकलने बाढ़ यालो हम भी चलते थे। अरे सुनो ये धरो इंसान, किसी इंसान के घर में आग लग जाता है तो संसार पानी लेकर ही दौड़ते हैं, और तुम कैसा आदमी है कि तुम पेट्रोल लेकर दौड़ता है। हम तो भवन जल कुंड घुरावे के खराब जाने पेट्रोल लेकर बेटा बस ओसा बात को त्यागन बंद कर दो, जाओ तुम्हें भैया जिस प्रकार से राम प्रणाम किया है उस प्रकार से राम प्रणाम करो, जाओ तेरे आशीर्वाद मांगोगे वो आशीर्वाद ही जरूर देगी। क्या मैं अपनी माँ को समान मानूंगा तेरे बेटी के समान मानेगा? जाओ क्या कीजिएगा चाहिए, अरे पिताजी करके लाए तब आया हुआ, जाकर प्रणाम कीजिए, क्या दिक्कत है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे, पढ़े लिखे रह जाएगा, हम भी खाएंगे, ड्यूटी करेंगे। ठीक है पिताजी, माँ को मैं प्रणाम करती। देखा ली हो अब से कौन प्रणाम ऐसे क्या कर सकते हो, ऐसे कौन प्रणाम। अरे बदमाश, तेईस राम को नहीं समझा, हम लोग राम प्रणाम करते हो तो इस प्रकार से राम श्राम यानी प्रणाम जी आगे से करते हैं। अच्छा ठीक है, वो रानी ने जब हमारे बेटा बसंत प्रणाम किया है तो चारों ओर लेकर के उन्हें आशीर्वाद दिया है। ओ मैंने बहुत बढ़िया सुबह खुशी दुनिया बढ़िया हो आप बढ़िया से खाना मिलते हो अच्छा रानी बहुत अच्छी की बात, मैं इस समय राज बंगले पे जा रहा हूँ समझी, ठीक है, और किसी प्रकार का दिक्कत हमारे सीत और बसंत को नहीं होना चाहिए, कभी नहीं, जब भी समय पर ही भोजन मांगे, कभी भी भोजन मांगे तो उसे भोजन देना है, वस्त्र उसको फिसना है तो वस्त्र फिसना है, समय समय को साथ उसे दोनों भाई का स्कूल ही बिठाना है। हमारे इस राज दरबार में कोई नहीं, स्वयं स्वयं बिल्कुल आप ही है। ठीक है स्वामीनाथ, अपने बंगले के पधारिए और मैंने बेटे के साथ सेवा करती। ठीक प्रिय में जा रहा हूँ। बेटा सिंह, बसंत, मैं राज बंगले पे जा रहा हूँ, किसी प्रकार को दिक्कत इस महल में हो हमसे तुम सुना रहा हूँ, मैं मर जाने के लिए जानूंगा, समझा, महेशपुर राज में मैं मर जाने के लिए जानूंगा, लेकिन सर झुकाने के लिए नहीं जानूंगा। ठीक है पिताजी, अब अगले पे जा रहे हैं तो जाइए और जाके आप कुछ सोच विचार कीजिए, मैं भी दोनों भाई मिलकर माँ से भोजन मांग के स्कूल में चलता हूँ। ठीक जाओ, खुश रहो, जीते रहो, मस्त रहो, आनंद रहो, चल रहा है, देखभाल हम कर रहे, कुछ गड़बड़ाई तो हम तो संभालिए देबो। बहादुर जी, आज हमारी माँ की गुजरना बहुत दिन हो गया, सही बात, और जब से मैं स्कूल ले गया हूँ जी, मास्टर साहब सोचते होंगे कि शीत और बसंत हमारे स्कूल में नहीं आते हैं, सवेरे भोजन करके मैं स्कूल चलता हूँ, मास्टर में भोजन मांगता हूँ।